हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो कम से कम टाइम में एक इफेक्टिव अप्रोच मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं और इन क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे और देखेंगे इनके कंसेप्ट क्या है और वी फंडा शॉर्ट ट्रिक का भी इनमें अप्लाई करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इजिली सॉल्व कर सके। ओके, उसने बोले एक सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग अ टेम्परेचर T1 एंड T2 एट इट एंड्स। ओके, तो सिंपली क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, ऐसे मान लो ना आप, ठीक है ना। तो ये जो एंड है इसके सिलेंड्रिकल रॉड के, ये एंड 1 मान लो और ये एंड 2 मान लो इधर कहीं, ठीक है, ये एंड 2 मान लो। तो यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर है उसका T2, ऐसे क्वेश्चन में उसने डिसाइड कराया है, ठीक है सर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज Q1 calorie per second। मतलब सर अगर हम ये मान लें कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मान लेते हैं हम, आप T2 को भी मान सकते हो, उसने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है। उसने बोला तो देखो अगर इधर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली हीट इधर से जाएगी और इधर को जाएगी, तो इसमें हीट जा रही है क्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर कंडीशन में यू कैन राइट कि यार सर बिल्कुल सही है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है ना इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करने का, मेरा मेन पॉइंट क्या है ये नेक्स्ट लाइन में आपको नजर आने वाला है, आप भी देख लो। इसमें बोला इफ ऑल द लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड कीपिंग द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। कम ऑन, उसने बोला इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी लीनियर डायमेंशंस हैं, ठीक है, लीनियर डायमेंशंस हैं उनको डबल कर दिया गया है, ठीक है, बट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना बॉस, वो जो है देखो इस एंड पे टेम्परेचर T1 है, इस एंड पे टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस को उसने चेंज नहीं किया है। उसने बोला जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, मतलब सही है, टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कि अब ऐसा करने के बाद जब सारे लीनियर डायमेंशंस को डबल कर दिया गया हो तो व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ फ्लो, है ना, यानी उसको Q2 मान लिया है। मतलब अब बताओ इस रॉड के अंदर अब जो नया फ्लो होगा, T1 T2 सेम रखा है, जो नया फ्लो होगा Q2, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q2। क्वेश्चन समझ में आया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हमें फोड़ के आना है, केवल जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन करना ही नहीं है, उसको समझना भी है फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो क्या करें सर, देखो एक मेन पॉइंट है जिसपे फोकस करना है, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, उसका रेट जो है वो फ्लो कर रही है। और आपको पता है हीट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है KA टेम्परेचर डिफरेंस ओवर L, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही फोड़ देते हैं वो, और वो खुद भी फूट जाते हैं फिर। कैसे सर, देखो अभी बताता हूँ क्या मिस्टेक होती है, ब्लंडर है ना, व्हाट इज दैट। उसने बोला है कि सर सारी लीनियर डायमेंशन को कॉन्स्टेंट करना है, ध्यान से समझना लीनियर डायमेंशन, और जैसे ही तुमने पढ़ा लीनियर डायमेंशन कॉन्स्टेंट है तो आपका पूरा ध्यान L पे जाता है क्योंकि ये तो टेम्परेचर है, ये तो पहले उसने कॉन्स्टेंट किया, K ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एरिया के बारे में आप सोचते नहीं, लीनियर मतलब लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, आप 1D डायमेंशन को लेंथ ले लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही लेंथ लेंगे आपने देखा क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इनिशियल दे रखी है तो Q1 L1 मान लेंगे, Q2 L2 मान लेंगे, रेशियो निकाल लो उसका, देखो Q1 ओवर Q2 इक्वल टू L2 ओवर L1, आपको पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, आपको निकालना है Q2, तो आप निकाल लेंगे यहाँ से डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे सर, Q1 into L1 over L2, तो आपको दिख रहा है यार Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है और L1 की वैल्यू लेंथ L है। उसने बोला लीनियर डायमेंशंस को डबल किया गया तो इसको आप 2L ले लोगे और कैंसिल कर दोगे, Q/2 आ जाएगा, और आपको ये आंसर इन चार ऑप्शंस में 100% मिलेगा और आप टिक करके आ जाओगे और भयंकर तरीके से आप खुश होंगे और भयंकर तरीके से बाद में रोएंगे भी। कैसे सर, क्योंकि ये गलत हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत हो चुका है, हमने लेंथ, नो डाउट लेंथ इज लीनियर, लीनियर डायमेंशन इसमें कोई शक नहीं है, बट आप एरिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो, एरिया को भी तू देखो, क्योंकि ये जो रॉड है ये सिलेंड्रिकल है और इसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब πr², और याद करो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², और r क्या है, रेडियस, एंड दैट इज ऑल्सो अ लीनियर डायमेंशन, समझ गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से, इसमें गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए बढ़िया से बता रहा हूं आपको कि इसमें क्या गलती होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, ठीक है। तो याद रखना रेडियस पे भी डिपेंड करेगी हीट, तो आप लिखेंगे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू यूज दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, देखो अब निकालेंगे Q1 ओवर Q2 पहली कंडीशन में हीट, दूसरी कंडीशन में हीट, पहली कंडीशन में रेडियस, दूसरी कंडीशन में रेडियस, रेशियो बना लो, अब तो क्या टेंशन है, L2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, R1 रेडियस R है और लीनियर डायमेंशन को सारी, उसने बोला था ऑल, है ना, उसमें रेडियस भी आएगी लेंथ भी आएगी, तो डबल कर दो रेडियस को, R2 हो जाएगी 2R
और इसका स्क्वायर करना है एल टू, 12 हो जाएगी और ये एल, ये हो गया कैंसिल और ये चल रहा है यहाँ पे क्यू वन ओवर क्यू टू, समझ पा रहे होंगे आप, क्यू वन ओवर क्यू टू आ गया दोस्तों आपके पास, आर सी आर कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 2, ये कैंसिल, सो क्यू वन अपॉन क्यू टू आपके पास आ गया 1/2, नाउ यू कैन सी हियर क्यू टू इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू वन, और ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, बट करेक्ट इज वॉट, करेक्ट इज दिस, है ना ऑसम। तो गलती होने के सबसे बढ़िया चांसेस क्वेश्चन में है, इसमें कोई शक नहीं है, इजी है, बट हमने समझा है कि इसकी डीप में जाके भाई कि कहां कहां पे आपने ध्यान देना, ऑल द लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड बोला गया था, तो हमें चेक करना है कौन कौन सी डायमेंशन यहाँ पे लीनियर हो सकती है, तो आप ध्यान से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब आप बोलोगे सर अगर इसको इजिली सॉल्व करें, पढ़ते ही सॉल्व करें, तो क्या याद रखें, जब भी ये नाम यूज होगा, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, ये नाम यूज है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लीनियर डायमेंशन को ही चेंज किया गया है, तो जो हीट होगा वो रेडियस की स्क्वायर के और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना, रेशियो बनाओ फटाक से सॉल्व कर दो, रेशियो बनाओ फटाक से सॉल्व कर दो, करेक्ट होएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम एंड ऑसम, बेहतरीन प्रॉब्लम है, पहली बात तो उसकी जो लैंग्वेज है ना वो काफी लेंथी है, मतलब ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है काफी लेंथ में आ रहा है, तो आप इसको देखते ही यू नो पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर आप थोड़ा सा सोचोगे यार इतना लेंथी क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, छोड़ के ही आ जाओगे, मतलब ऐसा बहुत होता है, आप खुद देखो इसको, इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लो, बट एक बार अगर इसमें घुस गए और आपने इसको ढंग से बस पढ़ लिया, है ना, फिर मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा बेहतरीन अप्रोच कि आपको विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन इसको कैसे क्रैक कर सकते हो फटाक से अकॉर्डिंग टू अमेजिंग वी फंडा ट्रिक। तो मैंने मिक्स कर दिया अपने कंसेप्ट को, वी फंडा ट्रिक को इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि मुझे लगा कि यार टाइम कम है तो सब कुछ बता देता हूं आपको, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो बस इसको शिद्दत के साथ, फिर उड़ाते हैं इसको फटाक से। कैसे सर? उसने बोला देखो आप पढ़ सकते हैं, सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद टू रिजर्वायर्स, ओके, ऑफ हीट, है ना, रिजर्वायर्स ऑफ हीट एट टू एंड्स, कंडक्ट अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी, मतलब सीधा सा एक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये रिजर्वायर वन है और ये रिजर्वायर टू है, ये किसी अपने अपने टेम्परेचर पे होंगे, हो सकता है यहाँ पे टी वन हो यहाँ पे टी टू हो, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वो बोल रहा है इस सिचुएशन पे, इसमें जो सपोज करो टी वन इज ग्रेटर देन टू, जो इसमें हीट जा रही है ये कंडक्ट कर रहा है वो क्यू है और उसको टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का टी, एक सिचुएशन तो ये होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बताया क्या बोला है, उसने बोला दी मेटालिक रॉड इज मेल्टेड एंड मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू द रॉड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है, ध्यान से समझो, फिर से बताऊं, मेटालिक रॉड इज मेल्टेड एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू अ रॉड ऑफ हाफ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल, मतलब इसको वापिस इस रॉड को निकाला गया, इसको मेल्ट वेल्ट इसको यू नो किया गया और मेल्ट करने के बाद इसको दोबारा से बनाया गया, तो एक ऐसी रॉड बनी जिसकी जो रेडियस है इसके रेस्पेक्ट में हाफ है, मतलब अगर इस रॉड रेडियस की जो रॉड की जो रेडियस है वो आर है, तो जो नई रॉड आपको बनाई गई, नई रॉड जो आपकी साथ बनाई गई, समझ रहे आप, ठीक है, उसकी जो रेडियस है, है ना, नई रॉड की आर टू, वो है हाफ, आर वन की हाफ है वो, ध्यान से समझो, ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/2 ऑफ आर वन, ठीक है, ऐसे बोला उसने, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये सेम रखा और फिर से उसमें हीट फ्लो कराई, उसने बोला जो हीट फ्लो कर रही हो क्यू टू है, टाइम ले रही है टी, टाइम भी सेम कर दिया, जब टाइम टेकन सेम हो, टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो, तो या तो वो लेंथ चेंज करेगा रॉड की या रेडियस चेंज करेगा, इस क्वेश्चन में रेडियस चेंज कराया, अगर मैं एक्चुअल प्रोसेस से आपको करूंगा तो भाई भयंकर टाइम लगेगा, आप एक्चुअल सोल्यूशन इसका जाके कहीं पर भी देखना आपको बहुत लेंथी प्रोसेस मिलेगा। अब मैं आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको मैं ट्रिक से ही करूंगा, ठीक है, इसको मैं ट्रिक से ही करूंगा, ठीक है, इसको मैं व्यू फंडा ट्रिक से ही करूंगा। कैसे सर? जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक मेटालिक रॉड दे रखी है, उसमें इनिशियल हीट दे रखी है और उसकी हमने रेडियस चेंज कर दी, या टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टाइम कांस्टेंट रखना है, या फिर लेंथ चेंज कर दी, बस उसको पकड़ना है, क्या चेंज किया है सर यहाँ पे? रेडियस, ठीक है। तो यू कैन यूज द हीट यू नो फ्लो इन दैट पर्टिकुलर रॉड इन दैट केस, जब रेडियस उसकी हाफ हो गई, तो हम लिखेंगे उसको क्यू टू और जो इनिशियल हीट थी उसको लिख लेंगे क्यू वन इंटू एन की पावर फोर, बस ये याद रखना, ठीक है सर। ये एन क्या है यहाँ पे? ये एन है वो फैक्टर जिससे रेडियस चेंज हुई है, तो इनिशियल रेडियस के कंपैरेटिवली जो रेडियस है वो हाफ हो गई है, तो जो हाफ है ना यही एन है, यही एन है, मतलब जो चेंज करने के बाद रेडियस आएगी एन टाइम्स ऑफ आर वन, तो ये जो एन है ये हाफ यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ पे आप पटक देंगे और आपका आंसर फटाक से हो जाएगा, यानी हाफ की पावर फोर, तो क्यू दे रखी है आपको क्यू और टू की पावर फोर है क्यू बाय 16, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नाउ यू कैन सी।
ठीक है ना, वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बॉस, ठीक है। तो ये ऑसम प्रॉब्लम है, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा आपको लेंथी कैलकुलेशन से बचाना है मैंने, और कंसेप्ट भी आपको सिखाना है, दिखाना है कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आई होगी बात मैंने क्या बोला, बस यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि चेंज किसमें किया है, रॉड की लेंथ में या फिर यू नो रेडियस में, रेडियस में किया है तो ये रहा आपके पास एन, पुट करना है हाफ तो हाफ, अगर रेडियस को सर डबल कर देते हैं तो एन की वैल्यू टू लेते हैं, सीधी सी बात है ना, कर सकते हो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं उनका कंसेप्ट क्या है। वैसे तो वो कंसेप्ट मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ, यू नो वेव फंडस शॉर्ट ट्रिक में भी मैंने बताए थे, बट फिर भी हम उनको कवर अप कर लेते हैं क्योंकि हम हीट ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं, तो वो वाली कैटेगरी भी कंसिडर करना लाजमी है, वरना सभाना आजमी है, समझ गए। ओके, व्हाट इज दैट सर, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं। आप पढ़ लिया करो क्वेश्चन, मेरे से पहले पढ़ लिया करो, आपके सामने स्क्रीन पे, मैं यहाँ से यू नो बुक से पढ़ूंगा, ठीक है। व्हाट इज दैट, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, उत्तरी, जैसे जो बोल रहा है ना वैसे लिख दिया करो यार, है ना, ये बहुत बेहतरीन अप्रोच होता है। जैसे ही पढ़ा, इंफॉर्मेशन मिली, कलेक्ट की, रिप्रेजेंट कर दो। उसने बोला है कि स्फेरिकल बॉडी है सर और उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, मैंने बोला वाह मजा आ गया। फिर उसने बोला कि द बॉडी इज रेडिएट 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन, ओके, मतलब इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 500 केल्विन और इससे कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही है, उस एनर्जी की पावर दे रखी है रेडिएशन की, ठीक है, जो पावर रेडिएट हो रही है वो दे रखी है, व्हाट इज दैट, दैट इज 450 वॉट, ठीक है, 450 वॉट इतनी पावर ये रेडिएट कर रही है और इसका जो जिस समय टेम्परेचर है 500 केल्विन, रेडियस भी दे रखी है आपको, ठीक है। ओ वाओ, अगर मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बताऊं ना, जब भी कभी स्फेरिकल बॉडी के रेडिएशन का प्रोसेस का यूज हो और रेडियस भी गिवन हो और टेम्परेचर भी गिवन हो, तो एकमात्र फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आना चाहिए, कंसेप्ट नहीं आता तो भी काम बन जाएगा, व्हाट इज दैट, इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड। अब वो बोल रहा है कि अगर इस बॉडी का रेडियस हाफ कर दे, मतलब पहले के कंपेरिटिव हमने अभी मैंने 12 माना ना, 12 का हाफ कर दो तो 6 हो जाएगा ना यार, क्या बात कर रहे हो, इसको मान लो R2 और इसको मान लो R1, हाफ कर दिया उसने और टेम्परेचर बढ़ा दें तो T2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1, यानी टेम्परेचर हो जाएगा 1000 केल्विन, वाह मजा नहीं आ गया। तो पता है क्या पूछ रहा है, देन पावर रेडिएटेड इन वॉट वुड बी, तो बताओ अब ऐसा करने से इससे जो हीट रेडिएट होगी उसकी पावर रेडिएशन कितना होगा, लेट्स सी P2 होगा, समझना। मान लिया आपको कंसेप्ट भूल गए, मान लिया आपको कंसेप्ट नहीं आता, बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे बिल्ड करनी है और उसमें छुपा हुआ कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। देखो समझो, रेडिएशन का क्वेश्चन है ना, हीट ट्रांसफर में रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन का क्वेश्चन है, पहली बात ये समझना है, ठीक है। जब भी कभी रेडियस गिवन हो, व्हेनेवर रेडियस गिवन, टेम्परेचर गिवन, रेडियस गिवन, टेम्परेचर गिवन, यू जस्ट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला P1 ओवर P2 इक्वल टू R1 ओवर R2 की होल पावर 2 लेना और T1 ओवर T2 की होल पावर 4 लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रख लेना, मेहरबानी होगी, हर टाइप का क्वेश्चन और क्वेश्चन ना इसी कैटेगरी से आता है मोस्टली, ध्यान रखियो। तो क्या करेंगे सर, देख P1 दे रखी है आपको 450, तो ले लो वहां पे पुट करो 450, P2 निकालनी है, R1 कितनी है सर 12, R2 कितनी होगी हाफ होके 6 का स्क्वायर करो, टेम्परेचर सर इनिशियली 500 है, बाद में टेम्परेचर 1000 हो गया और उस पूरे की पावर 4 करो, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। सो यार यहाँ पे याद रखना, और चूंकि यहाँ टेम्परेचर ना केल्विन में है और एक्चुअली इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में ही लेते हैं, अगर यहाँ डिग्री में होता तो हम केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करते, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो उड़ा दो, 2 आएगा ना, 2 की पावर 2 4 आएगा सर, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 की पावर 4 आएगा सर, क्या बात कर ली। तो यार 2 की पावर 2 2 2 कैंसिल, तो दिख रहा है आपको व्हाट इज दैट 4, और ये हो जाएगा 4/16 यानी 1/4 और ये आ गया 450/P2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4×450, मल्टीप्लाई करना तो आता है, बचपन में सीखा था बॉस, 4×5=20, 4×4=16, 1800 वोट पावर रेडिएट होगी। अब वो तेरी साइज कम करके टेम्परेचर बढ़ा दो, क्योंकि टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी जो रेडिएशन पावर है ना वो इंक्रीज करके दो 1800 वॉट, है ना, ऑसम प्रॉब्लम, इजी भी है बेहतरीन भी है, कंसेप्ट नहीं आता फॉर्मूला याद रख लेना सर, यही यूज होगा क्या हमेशा, ये तभी होगा जब रेडियस होगी और टेम्परेचर दोनों होंगे, रेडियस नहीं है तो रेडियस हटा देना, केवल टेम्परेचर रहेगा, सिंपल है।
कम ऑन गाइस, सिंपल है, ठीक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी टाइप का कराऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, और बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया उसने। मुझे लगा कि यार ये चेंज भी मेरे को आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है फिर फंस जाओ इसमें भी, ठीक है यार इसको कैसे करें अब, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो, उसने बोला पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज पी, अगेन देयर इज अ बॉडी और उससे जो पावर रेडिएट हो रही है बॉस, उससे जो पावर रेडिएट हो रही है उसकी पावर रेडिएशन दे रखा है पी इनिशियली, उसकी कुछ रेडियस होगी, मतलब होगी अगर गिवन है क्वेश्चन में तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। एंड इट इज रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, इस बार जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रही है उसकी पहली वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। रेडियस के बारे में बात नहीं करी तो हम रेडियस को इग्नोर करेंगे। इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट्स रेडियस मैक्सिमम एनर्जी एट 3/4 लैम्डा, मतलब उसने बोला कि उसका टेम्परेचर कुछ होगा इनिशियली T1, अब होगा T2, तो अगर उसका टेम्परेचर उन्होंने बदल दिया है और उस पर जो एनर्जी वो रेडिएट करेगी अब जो करेगी यू नो अब, है ना, ये नहीं बताया कितना टेम्परेचर किया, बस उसने बोला चेंज किया है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगी उसकी जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 3/4 लैम्डा नॉट, अब ये दे रखी है आपको, ठीक है, ये बात समझो आप बात को। देन द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स n टाइम्स ऑफ p, इनिशियल की जो अब पावर हो जाएगी वो इनिशियल से n टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल p दे रखी है तो n टाइम्स हो जाएगी। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, क्या बात कर रहे हो यार, n की वैल्यू कितनी है यार। सर रेडिएशन का क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ रेडिएशन का ही है, लेकिन यार सर ना रेडियस दी है ना टेम्परेचर दिया है तो पंगा नहीं हो गया। देखो ध्यान से, सिंपल फॉर्मूला लिख लो पहले, P1 ओवर P2 R1 ओवर R2, ठीक है, का स्क्वायर और T1 ओवर T2 की पावर 4, आराम से लिखो, बढ़िया अप्रोच बताऊंगा। चूंकि उसने रेडियस का नाम यूज नहीं किया, मतलब रेडियस चेंज नहीं की गई होगी, मतलब ओरिजिनल रेडियस और बाद की रेडियस सेम ही है, तो रेडियस सेम है, इसको हटा दो, सेम है तो हटा दो, रेडियस का नाम यूज नहीं किया। तो सर टेम्परेचर बता, सर क्या बात कर रहे हो, टेम्परेचर भी तो नहीं गिवन है यार ध्यान से सोचो, जब टेम्परेचर नहीं गिविन हो, वेवलेंथ गिविन हो, रेडिएट जो एनर्जी हो रही है उसकी वेवलेंथ गिविन होगी, तो याद करो विंस लॉ, अगर आपको याद हो टेम्परेचर हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना। मतलब सर क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो P1 ओवर P2 इक्वल टू T1 की जगह देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा 2 आएगा और T2 की जगह लैम्डा 1 आएगा, बस खत्म कहानी इसकी, खत्म कहानी, बन गया एक्सप्रेशन, पुट करो वैल्यू, हो जाएगा आंसर। P1 कितना है सर, P है, P2 है n टाइम्स ऑफ P, लैम्डा 2 कितना है सर, ये रहा 3 लैम्डा नॉट बाय 4, लैम्डा 1 कितना है सर, लैम्डा नॉट और उसकी पावर है 4, आप चेक कर लेंगे, समझ गए बॉस, चेक कर लो। तो कितना आया देखो, पीछे पी कैंसिल, 1/n इक्वल टू यहाँ पे 3/4, नीचे 4/4, तो 3/4 4/4 3/4 81, 4/4 256, हमें n चाहिए तो n कितना आएगा, n आ जाएगा आपका 256/81, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक्चुअली आंसर तो चलो हो ही जाएगा ना, मेन कंसेप्ट ये नहीं था, मेन कंसेप्ट ये था कि टेम्परेचर भी नहीं दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, तो यू कैन रिप्लेस दैम, मतलब T1 ओवर T2 की जगह आप लिख सकते थे लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1, बस ये उठा के यहाँ पुट करना था, बन गया एक्सप्रेशन, यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है, ऑसम है कि नहीं है, बेहतरीन है यार, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, मस्त तरीके से इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना, एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके बॉस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन, आप इसको पढ़ोगे और 4 डालोगे, बस एक चीज का ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करते करते समझ लेना कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज दैट सर, पढ़ो जरा, पढ़ो उसको आराम से, देखो क्या बोला है उसने, बोला टू एंड्स ऑफ द मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेंपरेचर 100 एंड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक रॉड है आपके पास, उसका एक टेम्परेचर एंड है 100 पे और एक है आपका 110 पे, ठीक है, और उसमें हीट फ्लो कर रही है, सही है, अभी करने दो, कितनी कर रही है सर, 4 J/s, ये हाई है ये लो, इधर कुछ आ रही होगी 4 J/s। अब पता क्या बोल रहा है, अगर उस रॉड के एंड के टेम्परेचर हम 200 और 210 कर दे, मतलब इसको 200 कर दे, ठीक है, और इसको 210 कर दे, समझो आप बात को, ठीक है, तो बताओ अब इसमें कितनी हीट फ्लो कर रही होगी, यू नो यू हैव टू कैलकुलेट नाउ द हीट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर रॉड जब उसके टेम्परेचर बदल दिए गए हैं। तो यार एक चीज ध्यान से देखो ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व करने मत बैठ जाना। देखो हीट जो रेट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, करता है कि नहीं, ठीक है, तो इनके टेम्परेचर डिफरेंस देखो इनिशियल कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। अब जो टेम्परेचर चेंज कर दिए गए हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना है, 210, ये भी 10 ही है,
ये भी 10 ही है और रॉड का मटेरियल चेंज नहीं किया गया है, ना रेडियस ना लेंथ कुछ भी चेंज नहीं किया गया, केवल टेम्परेचर चेंज किया गया है। तो हीट फ्लो पूछा है, जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हीट फ्लो भी सेम होगा, यानी 4 ही होगा, है ना। स्मार्ट क्वेश्चन, नीट वाले तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं, अपने धोखे में नहीं रहने का, वो तुम्हें फंसा रहे हैं, ठीक है। तो समझने का उनकी चाल क्या है बॉस, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्रैक करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो स्मार्टली सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन बोनस के तौर पर देख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आता तो मेरे को जरूर बताएंगे, और आ गया तो भी कमेंट करके बताएंगे, नहीं आया तो मेरे से उसका सॉल्यूशन ले लेना, इंपॉर्टेंट है, लास्ट बोनस, ठीक है। ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन बोनस के तौर पे जो मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो नीट का क्वेश्चन आज तक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, जी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान से समझ के जाएंगे, ठीक है। तो क्या है सर, देखो इसमें बोला है कि 6 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, 6 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, और उसने बोल दिया कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब हर रॉड का जो लेंथ है वो सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, समझ गए। और उसने बोला है सेम मटेरियल भी है, यानी कंडक्टिविटी सबकी सेम है, मतलब सबकी लेंथ सेम है, सबका एरिया सेम है, सबका की सेम है, सबका सेम है, ध्यान से समझो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये रॉड फर्स्ट है ए बी, और ये सेकेंड रॉड है, ये थर्ड है यहाँ से यहाँ तक, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और ये सिक्स रॉड है, 6 रॉड यहाँ पे बनाई गई है, ये अरेंजमेंट बनाया गया है। आपसे पूछा है ये जो पॉइंट बी है इसका टेम्परेचर बताओ, ठीक है। आपसे पूछा है जो पॉइंट सी है इसका टेम्परेचर बताओ, ठीक है, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 3 रॉड कनेक्ट है, 1 2 3, यहाँ पे 3 रॉड कनेक्ट है, 1 2 3, दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर बताना है, कंसेप्ट मेरे को बताना है, आप सॉल्व करने का ट्राई करना, क्विकली करना, जल्दी से जल्दी मेरे को रिस्पॉन्ड करना, नहीं हुआ तो मेरे से पूछ जरूर लेना बिना शर्माए, क्योंकि मैं आप ही के वास्ते हूँ, एग्जाम क्रैक करना है हमने अपना एंट्रेंस, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखे दोस्तों, और मेहनत करते रहो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।